हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। तो देखिए, ये एक साइनोटिक सीएचटी है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने ए साइनोटिक सीएचटीज के बारे में स्टडी किया था। तो देखो, ये एक है साइनोटिक सीएचटी। साइनोटिक मींस, साइनोटिक सीएचटी में क्या होता है, सीएचटी मींस कंजेनिटल हर्ट डिजीज, देयर इज डिमिनिश्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो ड्यू टू राइट टू द लेफ्ट शंट। देखो, इसमें होता है राइट टू द लेफ्ट शंट। और जब हमने ए साइनोटिक सीएचटीज के बारे में स्टडी किया था, तो उसमें क्या होता है, इससे अपोजिट होता है। उसमें होता है लेफ्ट टू द राइट शंट, इसमें क्या होता है राइट टू द लेफ्ट शंट। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट जो है वो कॉमन कंजेनिटल हर्ट डिजीज है, और इसमें फोर बेसिक जो है डिफेक्ट्स होते हैं। देखो, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में फोर डिफेक्ट्स होते हैं, mainly there are four defects. First defect hai pulmonary stenosis, stenosis means narrow hona, stenosis means narrowing, और यहां किसकी बात हो रही है, पल्मरी स्टिनोसिस मींस पल्मरी वॉल्व की स्टिनोसिस, पल्मरी वॉल्व। तो देखो, यहां प्रेजेंट होता है पल्मरी आर्टरीज में, यहां प्रेजेंट होता है पल्मरी वॉल्व, तो उसकी हो जाएगी स्टिनोसिस नैरोइंग। ओके, सेकंड डिफेक्ट है वीएसडी। वीएसडी का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, थर्ड जो डिफेक्ट है वो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जो राइट वेंट्रिकल है उसकी क्या हो जाएगी, हाइपर एट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मींस जो राइट वेंट्रिकल का जो भी मस्कुलर मास है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, फोर्थ डिफेक्ट है Overriding of aorta. Overriding of aorta means जो aorta है वो क्या हो जाएगा, misplaced. Overriding of aorta. Okay. अब diagrammatically एक बार देख लेते हैं। तो मैंने ये rough diagram draw किया हुआ है, इसकी हद से हम ये चारों defects देखेंगे। देखो, pulmonary stenosis. जो pulmonary valve है उसका क्या हो जाएगा, stenosis means narrowing. तो ये देख लीजिए, पल्मोनरी आर्टरीज में जब राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है पल्मोनरी आर्टरीज में, तो किसके थ्रू होता है, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू। तो मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट है पल्मोनरी वॉल्व, इसकी क्या हो रही है, नैरोइंग, इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी स्टिनोसिस। ओके, नेक्स्ट है वीएसडी। प्रीवियस टॉपिक में भी हम कर चुके हैं, वीएसडी मींस क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और ये कहां प्रेजेंट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल मींस इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होता है वीएसडी। यहां पे एक अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होगी सेप्टम में, इसे हम बोलेंगे वीएसडी। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जो राइट वेंट्रिकल का जो भी मस्कुलर मास होगा, मींस जैसे हर्ट में जो लेयर्स होती हैं, उसकी क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी राइट वेंट्रिकल में। तो देखिए कैसे हो जाएगी वो, ये देखिए इस तरीके से राइट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी। ओके, नेक्स्ट है ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, मींस जो आयोटा है वो क्या हो जाएगा, मिसप्लेस, आयोटा क्या हो जाएगा, मिसप्लेस। ओके, अब हम करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी,
कि जितने भी डिफेक्ट्स हैं ये क्या इनसे क्या इफेक्ट होगा, हार्ट की फंक्शनिंग में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ओवरऑल जो हार्ट सर्कुलेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टेटोलॉजी ऑफ फेलोड। ओके, पहले होगा राइट टू द लेफ्ट शंट। ये एक साइनोटिक सीएसटी है, इसकी वजह से क्या होगा, राइट टू द लेफ्ट शंट। नेक्स्ट हो जाएगा साइनोसिस। साइनोसिस क्यों हो जाएगा वो देखिए, अगर राइट टू द लेफ्ट शंट है, राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड वीएसडी के थ्रू कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटिक वॉल्व के थ्रू आयोटा में ट्रांसफर हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां से पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, इस डिफेक्ट की वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा, उससे क्या होगा, साइनोसिस। ये हमने वीएसडी के टॉपिक में भी स्टडी किया था। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ड्यू टू पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस। अब देखिए राइट वेंट्रिकल के जो भी ब्लड फ्लो है उसमें क्या आ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन। देखिए राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रांसफर होता है, पल्मोनरी आर्टरीज में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वॉल्व। और अभी हमने पढ़ा था टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड में एक डिफेक्ट प्रेजेंट होता है जो होता है पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस। तो आप देख सकते हो पल्मोनरी वॉल्व का क्या हो रखा है, स्टेनोसिस, नैरोइंग। इसकी वजह से क्या हो रहा है, रीगर्जिटेशन, जो जितना भी ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में जाना चाहिए उसका रीगर्जिटेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो वॉल्व है ये नैरो है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो का क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, शंटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वीएसडी। अब देखिए राइट वेंट्रिकल में जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बैक फ्लो कर रहा है, तो यहाँ क्या है, प्रेशर इंक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ वीएसडी भी है, तो इस डिफेक्ट के होने की वजह से ब्लड का क्या हो रहा है, राइट टू द लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और अभी हमने किया था उसकी वजह से हो जाएगा साइनोसिस, तो हो रहा है साइनोसिस। ओके, अब देखो साइनोसिस होने की वजह से क्या होगा, मैंने जितनी भी बॉडी टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, उन्हें ऑक्सीजन जो है वो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्रिएट हो जाएगा, हाइपोक्सिया मींस जो ऑक्सीजन है उसकी जो है वो कमी हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सप्लाई हो रहा है पूरी बॉडी को। ओके, तो साइनोसिस की वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया की वजह से हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन क्या होती है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, और आरबीसीज, जो नंबर ऑफ आरबीसीज है रेड ब्लड सेल्स, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाता है पॉलीसाइथीमिया में, देखो इंक्रीज हो जाएगा एचबी लेवल ब्लड में, और क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ आरबीसीज। इससे क्या होगा, देखो अब आपको पता है जो ब्लड का वॉल्यूम है वो भी क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, और साथ ही साथ एचबी लेवल ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, और नंबर ऑफ आरबीसीज भी इंक्रीज हो रहे हैं। इससे क्या होगा, जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ब्लड जो है वो विस्कस हो जाएगा। विस्कस मींस जो ब्लड की कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाएगी, मीन्स ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज्ड ब्लड विस्कोसिटी। ओके, अब ब्लड जो है वो विस्कस हो चुका है, ब्लड विस्कस होने की वजह से क्या हो रहा है, थ्रोम्बोफेलबाइटस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्बोलाई या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ब्लड के विस्कस होने की वजह से क्या हो रहा है, थ्रोम्बोफेलबाइटस क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ एम्बोलाई। ओके,
तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब देखते हैं कि पॉलीसाइक्लीमिया भी हो गया, साइनोसिस भी हो गया, और क्या क्रिएट हो गया, टेट्रोलॉजी ऑफ फिलोट में थ्रोम्बोफिलाइटिस। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन, और लिप्स जो है वो ब्लूइश इन कलर हो जाएंगे, और नेल पेट्स जो है वो भी ब्लूइश इन कलर हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्निया। डिस्निया मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी। साइनोसिस की वजह से क्या होगा, डिस्निया। नेक्स्ट है अनकॉन्शियसनेस। जो इन्फेंट है वो क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस। स्लो वेट गेन जो है वो पुअर रहेगा। डिफिकल्टीज, जो इन्फेंट है उसे क्या होगा, फीडिंग डिफिकल्टीज। हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। फर्स्ट इज हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेट कहां से करेंगे, अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। और इसमें P2 जो है वो क्या रहेगा, सिंगल। P2 टू मीन्स पर्नरी वॉल। सिंगल कैसे रहेगा, देखो S2 टू मीन्स होता है सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर वॉल्स जो है वो टू होते हैं, P2 टू मीन्स पर्नरी वॉल एंड आयोटिक वॉल, दोनों मिलाकर बनाते हैं S2, टू सेमी लूनर वॉल्स। तो P2 टू एंड A2 टू ये साइमल्टेनियसली क्लोज होंगे, इसलिए P2 जो है वो सिंगल रहेगा। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट का एक्सरे लेंगे। ईसीजी, ईसीजी क्या रिवील करेगी, आरवीएच। आरवीएच मीन्स राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ईसीजी क्या रिवील करेगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम। टू डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम शो करेगा जो भी डिफेक्ट का जो भी साइज है और नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं, वो डिफेक्ट्स कितने हैं वो हमें शो हो जाएंगे टू डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम से। ओके, तो आज हमने क्या, टैटोलॉजी ऑफ फिलोट, फोर बेसिक डिफेक्ट्स जो कि टैटोलॉजी ऑफ फिलोट में आते हैं, उसके पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम करेंगे मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टैटोलॉजी ऑफ फिलोट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।